अरे निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के, निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, गोरखपुर के हो गोरखपुर के, निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के, निकला गेटी कुलिया गोरखपुर के। टिकुलिया गोरखपुर के, लेकिन आगे की लाइन सुनिएगा। अरे हबड़ा के काजर बरेली के सुरमा, हबड़ा के काजर बरेली के सुरमा, बरेली के सुरमा, बरेली के सुरमा, और हबड़ा के काजर बरेली के सुरमा लेके सटल सलामा रे 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 रे, सटल सलामा रे अलीगढ़ के, और सटल सलामा रे अलीगढ़ के, निकला के कुलिया गोरखपुर के, निकला के कुलिया गोरखपुर के, निकला के कुलिया गोरखपुर के। बलिया के सतुआ देवरिया के मरचा, बलिया के सतुआ देवरिया के मरचा, देवरिया के मरचा, देवरिया के मरचा, के बलिया के सतुआ और देवरिया के मरचा। बलिया के सतुआ बड़ा फेमस बा, वहीं से अवेलेबल, और मरचा मरचा के तो बातें मत करा, जहाँ एक घर घर चर्चा होला, तो इसे बलिया के सतुआ देवरिया के मरचा, लेकिन मोटकी मुरैया रे 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 रे, मोटकी मुरैया जवानपुर के, मोटकी मुरैया जवानपुर के, निकला के गोरखपुर के, निकला के टिकुलिया गोरखपुर के, निकला के टिकुलिया गोरखपुर के। इतनी हर एक जिला में अलग अलग चीजें बड़े फेमस हैं। एक और चीज मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि हापुड़ के पापड़ हरियाणा के छोला, हापुड़ के पापड़ हरियाणा के छोला, हरियाणा के छोला, हरियाणा के छोला। और पहले के शादी में लड़का लोग के लड़की बना के नचवा देवल जात रहे, और अब तो सबके घर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, गाना बजाना हो रहा है, लेकिन पहले के जो लड़के थे वो किस रूप में दिखते थे और जाने जाते थे, कि हापुड़ के पापड़ हरियाणा के छोला, हरियाणा के छोला, हरियाणा के छोला, लेकिन अरे नाचे लल्ला मंडार रे 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 रे, नाचे लल्ला मंडार भागलपुर के, नाचे लल्ला मंडार भागलपुर के। गीतांजलि जी, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, आपका गीत बहुत अच्छा लग रहा है, और भगवान यहाँ जन्म में हमें गवैया बना दे, लेकिन अगले जन्म में अगर हमें मुझे नाचने नहीं आता है, लेकिन अभी इनका ठुमका लगा तो मुझे नाचने का मन हो गया, आइए मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। अरे वाह वाह वाह, देखिए नजरा मचाइएगा, लेकिन कहते अरे नाचे लल्ला मंडा भागलपुर के, अरे नाचे लल्ला मंडा भागलपुर के, निकला के गोदनवा, 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 गोदनवा,
गोदना की महिमा चलता रहे मीठा मीठा। आइए गोदना की महिमा बताएं कि गोदना क्यों गुदवाया जाता था। पहले के जमाने में लोग गोदना गुदवाते थे, लेकिन अब लोग टैटू बनवाते हैं। तो जो टैटू है वो आज के जमाने का है, लेकिन गोदना पुराने जमाने का था। तो गोदना की महिमा बताते हैं। गोदवाला हो गोदनवा, गोदवाला हो गोदनवा, फूल कढ़ा वाला चाहे दिल बनवाला, चाहे तू बल मामा के नाम लिखवाला, फूल बनवाला चाहे दिल बनवाला, चाहे तू बल मामा के नाम लिखवाला। जो गोदनहारिन होती है वो दुल्हन को समझाती है कि तू गोदना गुदवाला, लेकिन कहाँ गुदवाई वो सुना कि फूल बनवाला चाहे दिल बनवाला, चाहे तू बलमुआ के नाम लिखवाला। तनी सुना, आवा छपा वाला रुचे भावे जवन मनवा, आवा छपा वाला रुचे भावे जवन मनवा, गोदवाला गोदवाइला गोदनवा। लेकिन जो दुल्हन रहती है वो डरती है, वो कहती मैं गोदना नहीं गुदवाऊंगी क्योंकि बहुत डर लगता है। तो जो गोदनहारिन है वो समझाती है कि सुना कि जिया हहरा वजनी कुछ ना बुझाई, कि एक दो ही दिन में निमन हो जाए, जानी कुछ ना बुझाई, एक दो ही दिन में निमन हो जाए। हेलो हेलो हाँ हली हली। और हम सभी के बीच में परम आदरणीय ब्रह्मदेव मिश्रा जी भैया का आगमन हुआ है। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मैं दीपक पाठक देव पूरी टीम से करता हूँ। और परम आदरणीय बड़े भैया श्री विशंभर दुबे जी मोगरा बादशाहपुर की धरती से चल करके आए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। किस किस का नाम लूं, हर किसी का आशीर्वाद, हर किसी की मोहब्बत का कायल हूं और इसीलिए घायल हूं। और हमारे बीच में लखनऊ से हरिश्याम पांडे जी, हरिश्याम भैया वो हौसला शुक्ला, हौसला शुक्ला लखनऊ से चल करके आए हैं। आदरणीय हौसला भैया का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान करता हूँ। आर्किटेक्ट जी सर, सही है ना? हाँ हाँ, हौसला शुक्ला भैया बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। हेरत हेरत नाम तो वहीं के दिखाना है, हम कहीं कहाँ हैं इतनी देर से भैया, देख लखनऊ से चल करके आए हैं। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्वागत की श्रृंखला में ये प्यारा सा लाइन मैं सुना रही थी कि गोदना की महिमा जाते जाते वो क्या बताती है गोदनहारी, वो दुल्हन को बताती है कि गोदना क्यों गुदवाते थे पुराने जमाने में। अब तो लोग फैशनेबल हो गए हैं, लोग टैटू बनवाते हैं। तो सुनिएगा कि वो महिमा क्या बताती है दुल्हन को। गोदना गोदवला के महिमा बभारी, के गोदना गोदवला के महिमा बभारी, नई हर में मान मिली सुख ससुरारी, गोदना गोदवला के महिमा बभारी, नई हर में मान मिली सुख ससुरारी, और किसैया जी के प्यार मिली जन्म जन्मवा,
दर्शन तुकारे, काहे ले गईलो हसारे कवारे, जाटाड़ू माई के दर्शन तुकारे, काहे के लगलो तू सारे कवारे, रील बनी मंदिर के गेट पे जी जा, रील बनी मंदिर के गेट पे जी जा। हमारे जो भैया हैं जिनका आज तिलक चढ़ा है, ये कितने लोगों के जीजा बन गए हैं, इसलिए वो सालियों की तरफ से बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, ले चली घुमावे बुलेट पे जीजा, बुलेट पे जीजा, बुलेट पे भोजपुरी का तड़का चल रहा है तो मैं कंटिन्यू भोजपुरी ही गाऊंगी। कहते कि दिल भरा घरवा के रहे ऊता भीतर, दिल भरा घरवा के रहे ऊता भीतर, आए हो दादा कैसन प्रियवा के चोरी, आए हो दादा कैसन प्रियवा के चोरी, दिन भरा घरवा में रहे ऊता भीतर, दिन भरा घरवा में रहे ऊता भीतर, आय हो दादा कैसन प्रियवा के चरितर, आय हो दादा कैसन प्रियवा के चरितर, हम फोनवा पे कितना बताए का तड़का, जिनके अंगों में अंग अंग भड़का। इस भोजपुरी के बाद एक गाना लास्ट, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, ऐसा है। वो रेल कभी भी पकड़ नहीं पाए जो पिया को लेके जा रहा था। आज इतने वर्षों से ये गाना चला, लेकिन वो रेल का पता नहीं चला कि वो रेल कौन सा था जो पिया को लेके जा रहा था। और हमारे दीपक भैया बता दो, हम सभी के बीच में परम सम्मानित बड़े भैया आदरणीय हौसला शुक्ला जी, जो आर्किटेक्ट है, यही है ना भैया, सीए साहब हमारे बीच में लखनऊ में, जो अपने कारोबार को बढ़ाए हुए हैं। तो ऐसे आदरणीय श्री का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान। और
प्रधान जी हमारे बीच में हरिश्याम पांडे भैया, बहुत बहुत स्वागत और सम्मान इस मंच से करता हूँ। और परमादड़ी जितेंद्र सिंह पप्पू भैया, हीरो एजेंसी मीरगंज जरौना से चल करके आए हैं। और घर भैया बरसठी में ही है भैया का, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा प्रतिष्ठान आपने खोल रखा है, बहुत शानदार उद्घाटन उसका हुआ था और बहुत सालों से ये सर्विस दे रहे हैं हीरो में। और हमारे बीच में परमादड़ी श्री ब्रह्मदेव मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे आदरणीय नेता जी हैं। और संघ में जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद में अपना एक महत्वपूर्ण जीवन न्यौछावर किया है, ऐसे मुगरा की धरती से चल करके हमारे बीच में बड़े भैया श्री विशंबर दुबे जी, लगता है कि मतलब एक तरफ ये थामे रहते हैं, एक तरफ वो थामे रहते हैं, कोई शाहगंज कोई मड़ियाहू कोई यहाँ कोई वहां, देख करके मुझे लगता है कि यही लोग वो धर्म की धुरी हैं जो मतलब अपने आप में जिनका एक नाम है। हम लोग आप ही के आदरणीय दया शंकर चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर विनय तिवारी सर यहाँ पर हम लोगों को कभी काफी देर से सुन रहे हैं, जो त्रिशूल हॉस्पिटल जौनपुर से चल करके आए हैं। तो विशंबर भैया का बहुत बहुत स्वागत। जंघई रोड पर सब बोलते हैं आधा इधर आधा उधर, आधा मुगराबाद शाहपुर इन्हीं का है पूरा। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आइए बहुत प्यारी सी प्रस्तुति रिलिया बैरन पिया को लिए जाहिर है गीतांजलि मौर्या द्वारा। मैं दीपक पाठक देव पूरी टीम की ओर से सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आगे गीतांजलि मौर्या जी। बहुत हम लोग सालों सालों से एक मंच पर गाते हैं और पता नहीं मैं बड़ा हूँ कि आप बड़ी हैं, लेकिन मैं हमेशा से बचपन से ही दीदी बोलता हूँ। तो बड़ी बहन है आप हमारी, चाहे उम्र में भले छोटी हो लेकिन मैंने सब दिन वही जान करके माना है आपको। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन मंच से। और रिलिया बैरन पिया को लिए जाई रे, वो जो पीछे बैठे हैं भैया वो इन्होंने ही फरमाइश किया हुआ है। तो आगे गीतांजलि मौर्या जी। हेलो हेलो ये गाना अपने में ही इतना खूबसूरत लाइन है कि एक एक लाइन से ही पता चल जा रहा है कि बिरहीन यानी बिरह की वेदना पत्नी को इस कदर ढाए जा रहा है क्योंकि निगोड़ी रेल जो है वो लिए जा रहा है। इसलिए ये गाना, इसकी रचना इतनी सुंदर है। लोकगीत क्या होता है? लोकगीत हमारे नॉर्मल जो हमारा हाव भाव है, हमारी भाषा है, उस उन्हीं चीजों में से शब्दों को चुरा करके पिरोया जाता है। लोकगीत हमारी वो परंपरा है जिसकी सोंधी सोंधी खुशबू हमारे नाकों तक और कानों तक जाती है। आइए वो प्यारा सा लोकगीत मैं सुनाना चाहूंगी, क्योंकि कुछ लोग लोकगीतों को अश्लील रूप में ले गए हैं और न जाने कैसे कैसे नामों से उनका फिल्मांकन कर रहे हैं और गाने की रचना कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक में हमारा भोजपुरी कैसा है इस प्यारे से गाने से पता चलेगा आपको। कि पत्नी का भाव देखिए कि अपने पति को इतना प्रेम करती है कि वो नहीं चाहती कि मेरा पति कहीं दूर देश जाए, परदेश जाए, यही रहे साथ में, जो भी नमक नून तेल जो हटे। श्रीमान नंदराज जी हम सबके बीच में जो जिला कार्यवाहक के रूप में संगठन में जिन्होंने अपना समय जीवन भर दिया है, ऐसे संघी व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूं और स्वागत अभिनंदन करता हूं राकेश शुक्ला भैया के पूरे परिवार की तरफ से, उनके जो भी परदेशी भैया लोग आए हैं उनके भी तरफ से, सभी की तरफ से। आगे गीतांजलि मौर्या जी। तो वो पत्नी क्या कहती है अपने पति के लिए और अपने पति को न जाने के लिए वो न जाने कितने देवी देवताओं से मिन्नत करती है, मन्नत करती है और कहती क्या है। कि गोरिया नैहर में सपना सजावत रहे, एक पर से एक दिनवा बितावत रहे, अजहिया गबना के दिनवा धराए सकी।
ओही दिनवा से हर दिन लगावत रहे फाटल हिया पढ़ के भिन्न सहारे उठ के नहा धो के हो देवी माई से मनवते हो मांगत रहे क्या मांग रही है मन्नत वो फिर लिया बैरन रिया बैरन रिया बैरन पिया को लिए जाए रे 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 लेकिन वो पत्नी जो है वो अपने पति को एक पल अपनी नजरों से ओझल नहीं करने देना चाहती तो नीति क्या है कि जब नीति कटवा दे पिया मोर जई है जब नीति कटवा दे जो नीति कटवा दे जब नीति कटवा दे राजा मोर जई है सैया मोर जई है हो बलमा मोर जई है इतना कहर ढाइए और इतना बरस जाइए बरसे पनिया बरसे पनिया बरसे पनिया बरसे पनिया तिका सगल जाए रे बरसे पनिया तिका सगल जाए रे वो टिकट नहीं गला और पति ट्रेन में बैठ गया पत्नी बिचारी उदास हो गई वो फिर मन ही मन मनाने लगी और कहती क्या है जब ने सहरवा में सैया मोर जई है जब ने सहरवा में राजा मोर जई है सैया मोर जई है हो बलमा मोर जई है दिसंबर रूबे सर मुगरा बादशाहपुर आपके हाथों से ये प्यारा सा पुरस्कार हम लोगों को मिला है 501 रुपए का लेकिन किस बात पे जब ने सहरवा में राजा मोर जई है सैया मोर जई है हो बलमा मोर जई है पिया जाथन हमें छोड़ के लागे अगिया
और लागे अगिया हो रामा, लागे अगिया हो रामा, लग जाया लागे अगिया, लागे अगिया, लागे अगिया, शहर जर जाए रे और शहर में आग नहीं लगा तो पत्नी अंतिम कोशिश करती है अपनी मन्नत के तरफ से और कहती क्या है, जब ने साहेब वागे सैया मोरे नाम राजा मोरे नाम पे हो बल्ला मोरे नाम पे मोरे नौकर हो राजा मोरे नौकर राजा मोरे नौकर हो सैया मोरे नौकर। और हमारे सामने इस मंच पे हम लोग को आशीर्वाद दे रहे बड़े भैया श्री अरविंद उपाध्याय जी, अच्छा रामपुर से, मैं गीतांजलि मौर्य, इंजीनियर विनय कुमार मौर्य, हम लोग आपके पड़ोसी हैं, रायपुर प्रधान जी, मैं चरण स्पर्श करते हूँ और 26 तारीख को हो सके आपका आगमन भी हो हम लोगों के गांव में, क्योंकि हम लोगों का प्रोग्राम है वहीं पे, अब ये वही बताएंगे और अपने ही गांव के लोगों से जब मिले तो बड़ी अच्छा लगता है। मेरा गांव अभी अभी हुआ है, एक साल हुआ है मैं तो बनारस की हूँ, बता चुके रामपुर सुल्तानपुर लेकिन बिल्कुल सर आप आइएगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। लेकिन वो लास्ट वाली बात वो क्या कहती है कि मेरा पिया जिस साहिब का माल जो मालिक है उसका नौकर है, लेकिन वो मालिक कितना निर्दयी है कि एक पत्नी से उसके पति को बिछड़वा देता है, तो वो उस मालिक को भी नहीं छोड़ती और क्या कहती है, जब साहिब बाबा के पिया मोरे नौकर, जौने साहेबवा के पिया मोरे नौकर, हे देवी भगवती, हे चौरा माई माता माई, गांव के डीह बाबा कि पड़ जाए छापा, पड़ जाए छापा, और बड़ा प्यारा सा आशीर्वाद गीतांजलि मौर्य जी के गीत पर खुश होकर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कार्यवाहक श्री नंद राज मौर्य जी की तरफ से ये 201 रुपए का प्यारा सा आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। 6:31 पे आपको मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। पड़ जाए छापा, हमारे दीपक भैया को बहुत छापा पड़ा है प्रोग्राम का, और इतना छापा पड़ा कि ये दिन दुगना रात चौगना प्रोग्रेस की राह पे हैं, और जहाँ पे चौकिया धाम शीतला मैया का आशीर्वाद हो तो वो छापा जो होता है ना वो बहुत ही मतलब हाई लेवल पे लेके जाता है, इसलिए ये छापा हम लोगों के लिए शुभ है। और लेकिन उसका छापा कैसा है कि पड़ जाए छापा, पड़ जाए छापा, पड़ जाए छापा, पुलिस लिए जाए रे, पड़ जाए छापा, पुलिस लिए जाए रे, हाय रे लिया बैरन, रे लिया बैरन, लिया लिए जाए रे, रे लिया बैरन। रिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रिया बैरन, रिया बैरन पिया को लिए जाए रे, आए रिया बैरन, रिया बैरन पिया को लिए जाए रे। Yeah.
बजे। काफी देर से तालियों की बात नहीं चली, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कलाकार इतना अच्छा बजा रहे हैं। ये लास्ट पड़ाव है, क्योंकि 12 बजे से लेके 5:30 तक अब तक जितने तिलकर होंगे वो अपने घर चले गए होंगे, यहाँ तक कि अपने घर के घर चले गए होंगे, तो हम लोगों का भी अब जाने का वक्त आ गया है अपने अपने घर। 6:31 पर आपको यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है, आप तो घड़ी नहीं लगाए, आपको पता कैसे चल रहा है। बाद में ही जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत से यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये कार्यक्रम लगभग आप चली जाएंगे तो भी आधे घंटे तक हम लोग कार्यक्रम ये देंगे यहाँ पर, कुछ गीत गजल के साथ। और